हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 6 o'clock, और मैं जस्ट अभी नहा धो के आई हूँ, कपड़े चेंज कर लिए हैं। एक्चुअली आज हम लोग जा रहे हैं घूमने, और मैं जा रही हूँ गोवा के यहाँ। तो बस हमारी अभी ट्रेन है 7:55 पर। तो बस नहाना धोना सब तो हो गया है, पापा पूजा कर रहे हैं, मैं नहा चुकी हूँ, और मम्मी नहाने गई है। बस चाय वाय पी के हम लोग निकलेंगे। गोवा का घर बहुत दूर नहीं है, बस 1 से 1.5 घंटा लगता है, पहुँच जाएंगे। मैं तो अभी रेडी हो जाते हैं, चाय पी लेंगे, फिर आपको मिलते हैं सीधे स्टेशन पे। हम लोग हो गए हैं रेडी, और बस हम निकलने वाले हैं। हमारा यहाँ से ऑटो पकड़ेंगे, बस जाएंगे स्टेशन। स्टेशन बहुत ही पास है हमारे घर से। ये है हमारे उरई का रेलवे स्टेशन। तो बस हम लोग स्टेशन पहुंच गए हैं। अभी हमारी ट्रेन को आधे घंटे का और टाइम है। एक्चुअली आज ट्रेन हमारी आने वाली थी 7:55, उसका राइट टाइम है, लेकिन वो लेट हो गई है, अब आएगी 9 बजे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा वेट और करेंगे, तो उसके बाद हमारी ट्रेन आ जाएगी। और हमारे उरई रेलवे स्टेशन के रसगुल्ले बहुत ही, काले वाले रसगुल्ले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो वो बहुत टेस्टी गरम गरम एकदम मिलते हैं, जो मिट्टी की हांडी होती है। तो ये हमारी उरई की सबसे पुरानी दुकान है, नंदकिशोर शर्मा एंड सन्स। तो बहुत ही फेमस है रसगुल्ले। यहाँ से अभी मैंने ख़रीदा है समोसे और चिप्स रास्ते के लिए। तो बस ये सब खरीद लिया है, यहाँ अभी बैठ के थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद हमारी ट्रेन जैसे ही आ जाएगी फिर ट्रेन में बैठेंगे। और इधर हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, बाहर की हरियाली बढ़िया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये है यमुना नदी जो कि कालपी में है। तो बस ये पुल है, इसको हमने क्रॉस किया। इसके बाद आएगा पुखराया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आएगा कानपुर। तो बस इसके बाद हम पहुँच जाएंगे। वैसे तो कानपुर पहुँचने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं ट्रेन से, हमारा रोड भी नहीं लग जाता, 2-2.5 घंटे बस। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं गोविंदपुरी स्टेशन, और हमारी ट्रेन बहुत लेट हो गई, कम से कम 1.5 घंटे भीमसेन स्टेशन पे खड़ी रही आउटर पे क्रॉसिंग। और यहाँ पर हम लोगों ने ई रिक्शा किया और चल दिए बुआ के घर। यहाँ बुआ के यहाँ पहुँच चुके हैं, और पहुँचते ही मम्मी बुआ के फूफा जी के तो ये तनु सबके पैर छू रही हैं। और बस थोड़ी देर आराम कर रही हूँ मैं यहाँ के, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी ट्रेन में भी, तभी लेटी हुई हूँ मैं, रेस्ट कर रही हूँ। और ये है इवनिंग का टाइम। तो ये बुआ का गार्डन है, और बुआ के यहाँ बहुत सारे पेट्स हैं। तो ये तो दो बड़े बड़े डॉगी एकदम डेंजर से। तो यहाँ पर फूफा जी ने जो पेड़ हैं इन पे ना चिड़ियों का घोंसला टांगा हुआ है, तो यहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। और तनु निकाल रही है स्कूटी, पापा को छोड़ने जा रही है स्टेशन वापस, क्योंकि पापा की शाम की ट्रेन है, तो पापा फिर से स्टेशन जा रहे हैं, तो तनु छोड़ने जा रही है। ये है नींबू का पेड़, इसमें बहुत सारे नींबू हैं, अभी इनका कलर एकदम ग्रीन है, तो वो समझ में नहीं आ रहा, जब पक जाते हैं तब येलो येलो। और ये है बुआ के दो डॉगी, सो बहुत डेंजर, उनका वीडियो बना रहे थे तो वो मेरे ऊपर ही भौंक रहे थे। तो यहाँ मम्मी देख रही हैं, बोली ये दूबा लगी हुई घास को, तो सुबह पूजा के लिए ले लेंगे। और ये देख रही हैं इधर भी पेड़, हम लोग यहाँ टहल रहे हैं क्योंकि शाम को ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बाहर टहलने में मज़ा आ रही थी। इवनिंग एवरीवन, तो अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है 6:30, और अभी धूप वगैरह जा चुकी है। गर्मी दिन में बहुत ज़्यादा थी, और ट्रेन भी मतलब इतनी लेट हो गई थी, इतनी लेट तो गर्मी से हम लोग तंग हो गए थे, तो मेरा मन नहीं हुआ। ट्रेन में बहुत भीड़ भी थी, तो ज़्यादा ट्रेन का तो ब्लॉग शूट नहीं करा था।
और घर आते आते भी गर्मी से बुरी तरह से परेशान हो चुके थे। हम लोग 12:30 आ गए थे, फिर आके पानी वानी पिया, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर खाना खा के थोड़ी देर सो गए थे और बस अभी बाहर आए हुए हैं। इधर ये हुआ का है गार्डन एरिया, इधर तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, पीछे नींबू का है, कड़ी पत्ता है, बाकी अभी पेड़ और लगेंगे। उधर पे डॉगी आपको पीछे दिख रहे होंगे, बहुत ही डेंजर है, दो एक बाहर है एक अंदर को है। तो अभी तनु के साथ मैं बुआ की बेटी के साथ जाऊंगी मार्केट, थोड़ी देर देख के आऊँगी, घूम करके आऊँगी, कुछ अच्छा लगेगा तो लेंगे, नहीं तो मैं कैब बुक कर आऊँगी। अभी दिनों बाद आ रही हूँ मैं कानपुर के मार्केट, तो चलिए अभी मिलती हूँ फिर आपसे रेडी होकर। अभी तो आके चेंज कर लिया था और अब चेंज कर लेती हूँ, मतलब दूसरे कपड़े पहन लेती हूँ, लोअर टी शर्ट भी डाला था, फिर जाएंगे मार्केट। तो मिलते हैं अभी आपसे रेडी होकर। तनु निकाल रही है स्कूटी और हम लोग अब जाएंगे मार्केट, थोड़ा सा घूम फिर के आएंगे बाहर। अभी टाइम हो रहा है 7:00 और अभी वो चेला है, जाते जाते धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, तो जाएंगे कुछ खा पी के आएंगे, बस ऐसे ही घूम घाम के वापस आ जाएंगे। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए, आपको दिखाते हैं गोविंद नगर का मार्केट। तो चलो चलते हैं। बंद कर दे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा गोविंद नगर का मार्केट और पहुंचते पहुंचते हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग गया, तो अंधेरा हो चुका था जब निकले थे, तब उजाला था और यहाँ आके हम लोगों ने खाया पिया और बस उसके बाद फिर घर वापस आ गए। अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।